वॉक फॉर हेल्थ डे 2020 की आज आर्टिमिस हॉस्पिटल द्वारा शुरुआत की गई, जिसमें जो दिल के रोगी हैं उनको किस तरह से स्वस्थ रहने को लेकर के, या कहें पूरे हिंदुस्तान की जनता को एक आज मैसेज के तौर पर इन्होंने आज एक मैराथन दौड़ की शुरुआत की गई, जिसमें वो पैदल चल के या दौड़ लगा करके अपने जो हेल्थ को किस तरह से ठीक रख सकते हैं उसको लेकर के आज एक मैराथन की शुरुआत की गई, जिसमें आप वीडियो में देख ही सकते हैं कि कितने हज़ारों सैकड़ों की तादाद में लोग आज यहाँ जुटे हैं। बच्चे बुजुर्ग की बात की जाए या कहते हैं कई ऐसे भी लोग हैं जो पैर से ठीक से चल नहीं पा रहे हैं, तो उनको लेकर के भी कहीं ना कहीं जागरूक करने की एक बात सामने दिखाई दे रही है। उसके साथ ही आपको बता दें कि कहीं ना कहीं डॉक्टरों द्वारा एक हेल्थ को लेकर के हार्ट की बीमारी सबसे ज़्यादा सामने आती है, तो कहीं ना कहीं डॉक्टरों ने ये साबित करते हुए बताया कि जो आज के टाइम में सबसे ज़्यादा जो हार्ट की बीमारी है वो सामने आती है, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि हेल्थ में बहुत सारी बीमारियां सामने आती हैं पर जो हार्ट की बीमारी है वो कम उम्र में भी देखी जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं बाहर का खान पान को लेकर के कहा जाए या किसी तरह की जो स्मोकिंग से जो रिलेटिव समस्या है उनको लेकर कहा जाए, तो उन्होंने कहा कि लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है, क्योंकि आने वाले समय में हार्ट की जो बीमारियाँ वो काफ़ी बढ़ सकती हैं। तो उसी को लेकर के आर्टिमिस हॉस्पिटल और डॉक्टर्स द्वारा कई सारे पार्टिसिपेट लोगों को किया गया, उनमें कई सारे सैकड़ों की तादाद में लोग जमा हुए। उन्होंने पूरी एक 5 किलोमीटर की एक मैराथन दौड़ लगाई, जिसमें लोगों को जागरूक किया, और उसके साथ ही लोगों ने भी इसका काफ़ी अच्छा लुत्फ़ उठाया। और उनकी एक मैसेज के दौरान उन्होंने कहा कि लोगों ने कि बड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव है कि डॉक्टरों द्वारा की हेल्थ को लेकर के इस तरह के जो जागरूक अभियान है, या कहें एक कहते हैं वर्क फॉर हेल्थ एक अभियान जो है ये इस तरह से लगातार करते रहने चाहिए। उसी के साथ डॉक्टरों से जब इंडिया हेल्थ की बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि पूरे हरियाणा में काफ़ी लाखों लोग हैं जो एक वक्त नहीं दे पाते अपने हेल्थ को लेकर के, तो उनको कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ को लेकर भी कॉन्शियस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई सारे लोग तो आज हमारे साथ जुड़े हैं पर उनको आगे भी जुड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि घर पर भी अगर वो बैठे हैं तो घर पर भी वो अपनी सेहत का सिर्फ 1 घंटा दे करके अपने आप की हेल्थ को अच्छा और सुस्वस्थ कर सकते हैं। तो इसी के साथ उन्होंने इस मैराथन दौड़ की शुरुआत की गई और लोगों को जागरूक करते हुए बताया कि अगर कोई भी अगर आपको किसी भी तरह की हार्ट की प्रॉब्लम या उसकी किसी तरह की कोई समस्या है तो उसको लेकर उन्होंने कार्डियो हेल्पलाइन भी स्टार्ट की गई है कि जिसमें लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं और उसमें वो लोग किस तरह की फ़ोन पर भी या अपने डॉक्टरों द्वारा किस तरह की एक बातचीत करके उनसे किस तरह की सलाह मशवरा कर सकते हैं और अपने हेल्थ को किस तरह से ठीक रख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि सैकड़ों लोग आए हैं, वॉकाथॉन हुआ है, योगा सेशंस हो रहे हैं और लोगों में एक बहुत जोश है हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करने का। सारे हिंदुस्तान में ये हो रहा है, खासकर रिसेंटली आपने देखा होगा कि यंग लोगों के, यंग सेलिब्रिटीज़ के हार्ट अटैक्स हुए हैं और उसमें कईयों ने अपनी जान गंवाई है, तो इससे अवेयरनेस बहुत बढ़ रही है, लोग भी पढ़ लिख रहे हैं, मीडिया अपना रोल प्ले कर रहा है, अवेयरनेस बढ़ रही है। जो लोग तम्बाकू या किसी भी प्रकार का सेवन करते हैं उसमें एटलीस्ट 7 to 10 times रिस्क बढ़ जाता है ऑफ हैविंग अ कार्डियक इवेंट, सो दैट हैज़ टू कम फ्रॉम डाउन। मतलब जब आप छोटे हैं तब से आपके अंदर एक वो जज्बा होना चाहिए कि नहीं भाई मुझे एक्सरसाइज करना है। देखिए आप जो भी खाएं उसको बर्न करें, आपने फर्ज कर लें आपने समोसा खाया है तो आपने समोसा खाया तो फिर उसकी जितनी कैलोरीज हैं वो आप उसको जलाइए, आप चलिए भागिए दौड़िए एक्सरसाइज करिए। मतलब अल्टीमेटली क्या है, आप जो खाते हैं आप खा के बैठ जाते हैं, आप कुछ कर नहीं रहे हैं तो वो जमा होगा तो फिर वो ये सब चीज़ें करेगा। देखिए ये बात तो एक बन गई है कि मेरे पास टाइम नहीं है, एक्चुअल में टाइम ना इसको यूँ कह ले कि मेरी प्रायोरिटी नहीं है, वो यूँ कह दे तो ज़्यादा समझ आता है। और ये आदमी के अंदर चलने के लिए दो चीज़ें चाहिए होती हैं, या तो आदमी चलता है डर से या सेल्फ मोटिवेशन से, तो इन दो चीज़ों में से कोई एक तो अप्लाई करनी पड़ेगी। जब डॉक्टर का डर आ जाता है कि भैया अगर आपने ये आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा अगर आपने आने वाले 10 दिन में ये काम नहीं किया, तो उसके बाद सारा टाइम भी निकलता है, सारी प्रायोरिटी भी बन जाती है, सब सारे ऑफिस के काम भी करता है, तो ये दो चीज़ों में से कोई एक तो अप्लाई करनी पड़ेगी, या तो उसको सेल्फ मोटिवेट करना पड़ेगा या उसको कोई डर दिखाना पड़ेगा। बिल्कुल, तो ही वो घर से निकलेगा, तो ही घर में ही योगा करेगा, वरना ना घर में करेगा ना घर से बाहर निकल के आएगा। आज वर्ल्ड हार्ट डे पे जो आर्टिमिस हॉस्पिटल ने इतनी अच्छी मुहिम रखी है इसके लिए मैं इनकी पूरी टीम का बड़ा साधुवाद करता हूँ, और साथ साथ आप सबके माध्यम से जन जन तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि ईश्वर ने हमें 24 घंटे दिए हैं और उन 24 घंटों में से हमें 1 घंटा अपने स्वास्थ्य के लिए ज़रूर देना है, अपने आप को फिट करने के लिए देना है, वो ना ही हमें शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी फिट करेगा।